मैं एक बात आपको बताऊं, कसम खुदा की ये तारीख बताते हुए मेरा कलेजा फट रहा है। ये लॉकडाउन में जिसमें आप सभी लोग घरों में थे ना, यूपी में एक जिला है बलरामपुर, फैजाबाद अयोध्या से जब आप आगे चलेंगे तो गोंडा बहराइच बलरामपुर है। आपको पता है दो दो मस्जिद के इमामों ने अपने गले में फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। पेपर में आया होगा, शायद आपने भी पढ़ा होगा, पेपर में दो इमामों ने, बहुत सारे जालिमों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लिखा मौलवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया, वो उन्होंने फांसी लगा लिया, आलिम हो कैसा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जालिमों, तुम्हें ये मशवरा देने के लिए तो जवान है कि मौलवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने फंदा लगा लिया, लेकिन पलट करके तुमने दूसरा पहलू देखा कि एक आलिम को फंदे पे झूलने के लिए मजबूर किसने किया था। एक आलिम को फंदे पे झूलने के लिए मजबूर किसने किया था? तुम कोठियां बना करके एसी में रहते, उसके बाद भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती। तुम एसी की कार में चलते, उसके बाद भी तुम्हारे नफ्स की जरूरत पूरी नहीं होती है। तुम 1,00,000 रुपए महीना कमाते हो, फिर भी मौलवी से कहते हो ताबीज लिख दीजिए, हम हैरान परेशान है, हमारा मामला पूरा नहीं होता। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हारे दिल में पत्थर नहीं, अगर गोश्त का दिल है और वो दिल अगर धड़कता है, तो अपने दिल पे जरा हाथ रख करके सोच, जिस मौलवी को तुम 5,000 रुपए महीने में देते हो, तुम्हारा हाथ नहीं कांपता है, तुम्हारा जमीर नहीं थर्राता है? हम दो बच्चे रख करके, अपना अच्छा मकान बना करके 50,000 रुपए महीने में अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाते? ये इमाम जो 24 घंटे ड्यूटी देता है, जिनके 4-5 बच्चे हैं, ये 5,000 रुपए में बच्चे का दूध का पैकेट कहाँ से लाता होगा? बच्चे को सुबह ब्रेड नाश्ते में कैसे लाता होगा? बच्चे को स्कूल का फीस कैसे देता होगा? बीवी की जरूरियात कैसे पूरी करता होगा? अपने जरूरत का लिबास कैसे खरीदता होगा? यार हमने इसी पटना की सरजमीन पर देखा है, 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए जिन मास्टरों को तनख्वाह है, जिन डॉक्टरों को तनख्वाह है, और ड्यूटी कितनी, 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद अपने बाल बच्चों में रहना है, और वो भी 8 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी, इल्ला माशा अल्लाह करते हैं, तनख्वाह कितनी, 40,000-50,000, फिर भी वो पटना के रामलीला मैदान में एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं सरकार हमारी नहीं चलती, 6ठा वेतन लागू करो, 7वां वेतन लागू करो, 8वां वेतन लागू करो, 1 rank 1 pay लागू करो, 50,000 में नहीं होता 8 घंटे की ड्यूटी पर। सोचो तो सही, इन मौलवियों की ड्यूटी न 5 घंटे है, न 8 घंटे है, न 10 घंटे है। यार ये फजर में जब आँख खोलता है, रात को बिस्तर पे जब तक सो नहीं जाता, ये हमेशा ड्यूटी पे रहता है, अजान के वक्त में अजान दे रहा है, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, बीमार तेरे बच्चे होते हैं, सिरहाने ये कुरान पढ़ रहा होता है, मैया तेरे घर में होती है, ये कुरान पढ़ता है, बच्चे तेरे बीमार होते हैं, ये दुआएं करता है, परेशानी तेरे घर पे आती है, तावीज़ ये लेता है। मुझे पता तो सही है कि ऐसा नौकर जो 24 घंटे तेरे कामयाबी की अल्लाह के हुजूर दुआएं करता हो, उसे देता क्या है? कोई 5,000 देता है, कोई 6,000 देता है, कोई 7,000 देता है, और अलग से कोई मौलवी कुछ कारोबार कर ले, कुछ प्रोग्रामात करने लगे, तो ये जालिम कौम क्या कहती है? मौलवी देखिए ना, सिर्फ कमाने पे लगा हुआ है, सिर्फ कमाने पे लगा हुआ है। मौला अली का एक कॉल सुन, बातें बहुत तलख लगी, मुझे माफ करना, लेकिन कभी दिल के दिल पे अपने हाथ रख करके सोचोगे, मैं नहीं, खुदा की कसम तुम्हारा ज़मीर कहेगा, मेरे आने वाले मेहमान तुमने जो कहा वो हकीकत कहा। मौला अली फरमाते, जिस कौम के उलमा खुशहाल नहीं होते हैं, अल्लाह उस कौम पे मुसीबत का पहाड़ नाज़िल कर देता है, अल्लाह उस कौम पे मुसीबत का पहाड़। कभी सोचो तो यार, ये किसके लिए जीते हैं? पूरी ईमानदारी से बताओ, ये किसके लिए जीते हैं? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? एक मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मौलवी को कभी सोचा आपने, ये जीते किसके लिए हैं? इनके बेशक बच्चे होते हैं, इनकी बीवी होती है, इनका भी खानदान बेशक सब होता है, लेकिन कभी सोचा सही जीते किसके लिए हैं? रात को सोते हैं तब भी दुआ करके सोते हैं, या रब इस बस्ती पे बलाएं नाजिल मत करना, क्योंकि इस बस्ती में तेरे महबूब के गुलाम रहा करते हैं। ये जब सुबह में जगते ना, पूरा गांव सो रहा होता है, पूरा गांव सो रहा होता है। यार मैंने देखा है, कसम खुदा की मैंने देखा, चूंकि मैंने भी 10-12 साल इमामत की है ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल नूर चलाने लगा, मैंने भी इमामत की, मुझे पता है पूरी बस्ती जाड़े में, दिसंबर में, जनवरी में, बिल्कुल
कटकटी का जाड़ा, लोग लिहाफ से बाहर नहीं आना चाहते यार, पूरी कौम सो रही होती, पूरा शहर सो रहा होता है। ये एक इमाम होता है जो उस कटकटी में भी ठंडे पानी से बदने में लोटे पानी लेकर के वुजू करता है, वुजू करने के बाद मस्जिद के मुसल्ले पे जाके कुरान खोल करके तिलावत करता है। रब के फरिश्ते जब गांव में आते हैं तो देखते हैं पूरा शहर तो सो रहा है, पूरी बस्ती तो सो रही है, एक अल्लाह का बंदा है जो बस्ती में कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्ते कहते हैं मौला सब बंदे सो रहे हैं, इस बस्ती पे अजाब नाजिल कर देनी चाहिए। अल्लाह फरमाता बस्ती के लोग सो रहे, अजाब नाजिल तो करना है, लेकिन ये भी तो देख इसी बस्ती में मेरा एक बंदा है जो बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। एक बंदा ऐसा है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों बताओ तो सही, जहां कुरान की तिलावत होती है अजाब कैसे नाजिल करे? हर रात अल्लाह का अजाब नाजिल होना चाहता है, लेकिन उलमा के कुरान की तिलावत की बरकत से अजाब दूर चला जाता है। बरकत कुरान से बस्ती में बरकतें नाजिल होती हैं। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़, मुझे यकीन है कि आप इमामों की बहुत इज्जत करते होंगे, क्योंकि आप अकीदत माशाल्लाह जिस तरीके की है, मुझे लगता होगा कि इस इलाके के लोग अपने इमामों की बहुत इज्जत करते होंगे, करना चाहिए। लेकिन खुदा की कसम अगर कहीं कमियां मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ बेदार हो जाओ, कुछ नहीं रखा है यार, कुछ नहीं रखा। जो महीने में तुम 100 देते हो, 200 दे के देखो ना, 400 दे के देखो ना। मुझसे कयाम राह पे एक इतनी अच्छी बात कह गए मेरे जसीम भाई, मेरा दिल छू गया। बोले हजरत मैं जिंदगी में महसूस करता हूँ, मैं अगर लाख रुपए खर्च करता हूँ अल्लाह पाक मुझे कभी कम नहीं देता, मैं जितना खर्च करता हूँ अल्लाह उससे ज्यादा देता है। मैंने कहा जसीम भाई तो इसमें हैरत की क्या बात है, ये तो सिद्दीक अकबर का कौल है, नबी के नाम पे 1 रुपया खर्च करो अल्लाह तुम्हें 70 रुपए अता फरमाएगा। शर्त यह है कि तुम दिल से खर्च तो करो, देते भी हो और हिचकिचाते भी हो, दें कि ना दें, दें कि ना दें, कि ना फिर बरकतें कहां से होगी? जो आए दिल खोल करके दे दो, अपने इमाम से मोहब्बत करो यार। कई इमाम ऐसे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं जब बलरामपुर इलाके में मुफ्ती साहब अब्दुल्ला में तकरीर के लिए जब गया था बलरामपुर इलाके में, तो मैंने जायजा लिया उस इलाके का। जब मैं जहाँ तकरीर करने गया था ना, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर का यह हादसा था। मैंने मालूम किया कि आखिर बात क्या थी। सुनो ये उस इमाम के लिए, मुझे लगता है ये हर इमाम के घर की कहानी है यार। मैंने कहा कि यार कमेटी वाले से, मैंने कहा मुझे लेके चलो। मैं गया तो मैं जा करके उनके बच्चों से मिला। 3 बच्चियां थी, गालिबन 2 या 3 बच्चे थे, और माशाल्लाह उनकी जो बीवी थी, उनकी जो शरीक हयात थी, पर्दे पर थी। तो मैंने उनकी बीवी से पर्दे से मिला, मैंने कहा मेरी बहन आखिर हजरत ने ऐसा फैसला क्यों लिया ये बताएं। जानते हैं रो करके उस बच्ची ने क्या कहा, कलेजा फटता है यार। उस बच्ची ने कहा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना की वजह से हालत सबकी खराब थी, और यकीनन क्या ख्याल सबकी हालत, उन्होंने कहा कि हालत सबकी खराब थी, आमदनी के सारे ज़राए बंद हो चुके थे, प्रोग्रामात वगैरह सब बंद हो चुके थे, ले दे करके बस जो महीने की जो तनख्वाह रह गई थी, जो महीने का वजीफा रह गया था, उसी पे घर का गुजारा होना था। और लॉकडाउन लगने के 1 महीने के बाद तो कमेटी वालों ने पैसा दिया, और 1 महीने के बाद कमेटी वालों ने ये कह दिया कि लॉकडाउन लग गया है इसलिए हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे। मेरी बहन कह रही थी कि हजरत 3 महीने तक हजरत इमामत करते रहे, 3 महीने तक कमेटी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। वो कहते हैं कि लास्ट में घर में हालत ये हो गई थी, हमने तारीख तो सुनी थी, करबला में लोग तपते हुए रेगिस्तान पे जबान रख के कहते थे या अल्लाह इस रेगिस्तान से पानी का एक चश्मा उबाल दे। हमने उस मंजर को अपने घरों में देखा था कि हम घर में जो आटे को चालने के बाद उसमें से जो मोटे दाने निकलते हैं, औरतें निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, चोकर बोलते हैं। वो मेरी बहन कह रही थी हजरत वो कुछ चोकर बचे हुए थे, तो हमने उसको चाला, कई दिन के रखे हुए थे, उसमें कीड़े पड़ गए थे। 5-6 जो बच्चे थे उन्होंने कहा अम्मी कीड़े से पका के दे दो, अब भूख से रूह निकल जाए। मेरी बहन कह रही थी कि हम ये काम कर रहे थे जब तक इमाम साहब आ गए, उन्होंने जब देखा तो वो मेरी बहन कह रही थी कि वो रोने लगे। उन्होंने कहा या अल्लाह ये दिन आ गया कि बच्चे अब कीड़े पड़े हुए खाने खाएंगे, और ये कौम स्टेजों पे कहती है मेरा इमाम जिंदा हुआ, नौबत की आ गई कि बच्चे कीड़े पड़े हुए रोटी खाएंगे। मेरी उस बहन ने कहा कि वो पलट करके मस्जिद के सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने जाके कहा कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत भूखे हैं, घर में कीड़े पड़े हुए चोकर हैं, उसकी रोटी बन रही है। उस जालिम कमेटी वालों ने कहा
तो हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। और मेरी उस बहन ने कहा कि हजरत वो सेक्रेटरी ऐसा था जिसके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। मेरी बहन कहती है वो आते हैं और आने के बाद घर के अंदर चले गए, 10 मिनट के बाद जब दरवाजा खुला तो वो नहीं, उनकी लाशें नजर आ रही थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ तुम्हें मालूम नहीं, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह इस जमीन पे अगर बरकतें नाजिल कर रहा है तो इन्हीं उलमा के कदमों की बरकत से नाजिल कर रहा है। सोच बदलो, तुम 1 लाख 2 लाख रुपए जलसों में खर्च करते हो। अभी हमारे हजरत कह रहे थे कि हजरत 29 तारीख को हमारे इलाके में बहुत बड़ा जलसा है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहना, वो जो शायर आएंगे, वो जो नतीब आएंगे, या मैं जो खुद आया हूं, तुम 10,000-20,000 रुपए नजराना देते हो ना, बोलो ना यार, देते हो कि नहीं देते हो? एक रात की तकरीर के 20,000 नजराने, 10,000 नजराने, और जो हफ्ते में हर जुमे तकरीर करता है, महीने में जिसकी 4 तकरीरें जुमे में होती हैं, उसको 5,000 तनख्वाह देते हो। तुम सोचो तो सही, अगर ये कहीं बिलख करके कयामत के मैदान में तुम्हारा गरीबान पकड़ ले, मौला हम भी अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे इसलिए नहीं दे पाए, इस कौम ने हमें बांध करके रखा, ये खुद तो देशी घी की रोटियां खाता था, हमें सूखी रोटी खाने का मजबूर करता था। जरा सोच तो सही, मौला की बारगाह में जवाब क्या देगा? मेरे दोस्तों अपनी सोच बदलो। मुझे पता है कि ये सीमांचल है, ये इलाका है, यहाँ उलमा नवाज है, उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। इन इलाकों में ऐसी हालतें नहीं होंगी? हाँ, बहुत इलाकों में ऐसी हालतें हैं यार। डॉक्टर का बच्चा अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा, सुन ले सही, सुन ले सही, रात के पिछले पहर में सुन रहा, इतना अच्छा सुन रहा, इसलिए मैं तुझे कौम का दर्द बता रहा हूँ। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहा है, पीर अपने बच्चे को पीर बना रहा है। यार दुनिया का एक अकेला कौम मौलवी है जो अपने बच्चे को मौलवी नहीं बना रहा, वो अपने बच्चे को कह रहा बेटे कूली बन जा, मंजूर है, पौलदारी कर ले, मंजूर है, वो बाहर में जा करके कंपनी में काम कर ले, मजबूर है, इमाम मत बनना। मैंने कहा आलिम, तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? कहा तो क्या बताओ, हम तो आलिम इस वजह से बने थे कि कौम के रहनुमा होंगे, ये कौम अपने हमें अपने सरों पर बिठा के रखेगी, लेकिन ये कौम तो ऐसी है जो 5,000 रुपए में देती है तो इतने कानून पैदा करती है। आज फजर में नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, जोहर में 2 मिनट लेट क्यों आए, असर में इतनी लंबी सूरत क्यों पढ़ा दी, मगरिब में कहां चले गए थे? मैं तुमसे पूछता हूँ, किस किताब में लिखा है कि नमाज में ताखीर होने का हिसाब आप सिर्फ मस्जिद का इमाम देगा, मुसलमान नहीं देगा? याद रखना, रब की अदालत में अगर नमाज की ताखीर का हिसाब इमाम से होगा तो उससे कहीं ज्यादा सख्ती से हिसाब से होगा, क्योंकि तेरे लिए ये हुक्म नहीं आया, लेकिन उलमा के लिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक जाहिल पूरी रात इबादत करे और एक आलिम पूरी रात सोया रहे, फिर भी उसकी इबादत से ज्यादा सोने वाले को सवाब मिलता है। मैं तुमसे हां ठोक के कहता हूं, बदलो अपने रविश को, बदलो अपने ज़हन को, बदलो अपने इमामों का ख्याल करो। और मैं तुम्हें एक तजर्बे की बात करके कह रहा हूँ, तुम अपने इमाम को खुश रखे, देखो रब्बे काबा की कसम तुम्हारा इमाम खुश रहेगा, बस्ती के अंदर बरकतों का नुज़ूल होता हुआ। प्रैक्टिकल करके देखो ना, इसमें ज्यादा क्या है, 1-2 महीने आजमा के देखो, क्योंकि जानते हो इमाम जब खुश होता है तो दुआ यहाँ से निकलती है, और जब दुआएं कल्ब से निकलती है तो अल्लाह बस्तियों पे बारिशों का नुज़ूल कर देता है।